नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है, ये एमी ब्रोकर एंड मेटा ट्रेडर दोनों को ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना रिटर्न आपको नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, मैं कुछ इन्फोसिस एंड सन टीवी के ऊपर बेस करके बनाऊंगा। और जो मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है एज ए बिगिनर, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जो सॉफ्टवेयर होता क्या है और इसका ऊपर काम कैसे होता है। बेसिकली सबसे पहले एक क्लाइंट का मन में जो क्वेरीज आता है, जो मार्केट में इतना सारा स्क्रिप्ट होता है, मैं कैसे काम करूँगा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो आपको एक ग्रुप बना लेना चाहिए, हैपाजेंडली काम मत कीजिए। मार्केट में बहुत सारा स्क्रिप्ट होता है, आप उसमें से निफ्टी 50 के अंदर कोई भी 10 15 20 का एक ग्रुप बना लीजिए। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप जो ग्रुप चूज करेंगे उसका अंदर कहीं पर भी कुछ कॉल बनेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज देगा इस टाइप का। ये देखिए जो मैसेज बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का। तो ये हम लोग का फर्स्ट एडवांटेज होता है, जो आपको कोई स्क्रिप्ट खोल के रखने का जरूरत नहीं है या फिर मॉनिटरिंग करने का भी जरूरत नहीं है। कहीं पर भी कुछ कॉल बनेगा, ऐसे मैसेज आ जाएगा साउंड के साथ, जो स्क्रिप्ट खुला है उसमें भी, जो स्क्रिप्ट खुला नहीं रहेगा उसमें भी, जिसमें स्क्रिप्ट का नाम भी लिखा रहेगा और उसका वैल्यू भी लिखा रहेगा। जैसा आपको पता चला इन्फोसिस में कॉल बना है, जब तक एक मैसेज बॉक्स को आप देखेंगे नहीं और इसको क्लोज नहीं करेंगे, तब तक ये जाएगा भी नहीं। जैसा मैं इसको अभी क्लोज कर दिया, इन्फोसिस में देखिए ये जो रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका सिग्नल होता है। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, इसका राइट साइड में उसका वैल्यू, ऊपर में स्टॉप लॉस, नीचे में टारगेट, सब कुछ लिख के आता है। अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है हर रोज, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन ही इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो जो कॉल में आप एंट्री लेने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है। तो कैसे हमको पता चलेगा, जो ये जो कॉल बना था इन्फोसिस में 738.45 में आज को 1:20 में, ये कितना जेन्युइन था, उसके लिए हम लोग मार्केट का कुछ कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। जैसे सेल का कॉल में हम लोग का फर्स्ट पॉइंट होगा नीचे में जो रिबन है उसका कलर को देखना है। पहले देखिए वो ग्रीन था, उसका बाद वो रेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो रेड हो गया मतलब आपका सेलिंग का जो वॉल्यूम है मार्केट में वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो सेल का कॉल में नीचे का रिबन का कलर रेड होना है। सेकंड कंडीशन हम लोग का होता है, जो सेल का कॉल का पहले हम लोग एक स्टार बनाते हैं, वो भी रेड कलर का। तो ये जो रेड कलर का स्टार है, ये स्टार एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को फिल्टर करता है। तो ऑलरेडी रेड स्टार आ चुका है, मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है, दैट इज द सेकंड कंडीशन। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का ये लाइन इंडिकेटर। नीचे में देखिए मेरा क्रॉस हेयर जहाँ पर है, इस नीचे का इंडिकेटर में आपको एक मिडिल में वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा, जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मतलब ये मार्केट को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें आपको एक मूविंग एवरेज जैसा लाइन दिखाई देगा, जो एक बार रेड हो रहा है एक बार ग्रीन हो रहा है। ऑब्वियसली ग्रीन मतलब बाइंग एंड रेड मतलब सेलिंग, मगर इसका जो मेन फंक्शन है, देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जहाँ से ये लाइन वाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया, मतलब वहीं से आप स्ट्रांगली सेलिंग जोन में घुस जा रहे हैं। देखिए इसका पहले रेड पहले से ही था, मगर ये वाइट लाइन का ऊपर था, इसका मतलब ये सेलर्स था मगर उतना स्ट्रेंथ लोकेशन नहीं है। जैसे वाइड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया, मतलब आपका मतलब जो सेलिंग पोजीशन है वो एकदम स्ट्रांग हो चुका। तो जब भी कोई सेल का कॉल बनेगा, आपका काम होगा तीन कंडीशन को मैच करना, जो तीनों कंडीशन मेरा मैच है या नहीं है। अगर ये तीन कंडीशन मैच होगा, तभी जाके आप एक कॉल को स्ट्रेंथ कॉल बोल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। सोचिए आप इस तीनों कंडीशन को मैच होने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड किए, आप एग्जिट कब करना है। जैसा देखिए यहाँ पर टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, तीनों टारगेट हिट हो गया। तो सबसे बेस्ट होता है जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जा रहा है, आप वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज अगर आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से एग्जिट करना चाहते हैं, तो देखिएगा मिडिल में आपको दो पिंक कलर का पैरेलल लाइन नीचे गिर रहा है। तो जब तक ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर होकर इसका कलर ग्रीन नहीं होता, जैसे दोनों लाइन आपस में अभी भी कंटिन्यूअसली पिंक ही चल रहा है, जब भी मार्केट रिवर्स होता है तो ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में, मतलब वो वक्त में आपको एग्जिट करना है, दैट इज द ट्रेंड रिवर्सल जिसे कहता है। तो अभी तक यहाँ पर दोनों लाइन पिंक ही है, मतलब अभी तक ये आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो सिंपल एंट्री लेने का पोजिशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जिट आप टारगेट पर भी निकल सकते हैं, कहीं पर भी निकल सकते हैं, अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर कहाँ पर एग्जिट करा रहा है। अब मैं देखिए ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन हुआ, मार्केट इतना नॉर्मल कभी नहीं होता है। कभी मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं मार्केट बहुत ही क्रिटिकल होता है, साइडवेज वोलेटाइल, तो उस टाइप का मार्केट में भी आप कैसे इस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा। जैसे उसी का एग्जांपल के हिसाब से मैं एक सन टीवी का चार्ट खोला। देखिए सन टीवी का ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है, तो आज को मार्केट यूजली गैप अप हुआ है।
तो ऐसा सिचुएशन में करना क्या, जिस दिन मार्केट गैप अप हो रहा है, जैसा देखिए आज को मार्केट यहाँ पर गैप अप हुआ है, आपको एक ग्रीन स्टार दिखाई दे रहा है। ग्रीन स्टार मतलब ये अगले दिन जो बाय का कॉल दिया था उसको कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, ये जो फर्स्ट कैंडल, एक ग्रीन स्टार। ग्रीन स्टार मतलब पहले दिन का जो बाय का कॉल आप फिर से इसको कंटिन्यू कीजिए, सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है। मगर जिस दिन मार्केट गैप अप होता है उस दिन क्या करना पड़ता है, बाय का कॉल जो भी फर्स्ट कैंडल बन रहा है आपको उस कैंडल का हाई को देखना है। जैसे देखिए मैं इस कैंडल का हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया, दैट इज द जो रेड लाइन, तो मुझे हमेशा सेकेंड कैंडल से ट्रेड पकड़ना है। और मेरा एक कंसेप्ट यही रहेगा जब तक उस कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको बाइंग ऑर्डर को कैरी ऑन नहीं करना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये जो सेकेंड कैंडल से ये जो रेड लाइन है उसका हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब मेरा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किया, मुझे बाय नहीं करना है। मतलब सॉफ्टवेयर बोल रहा था आपको बाय हो सकता है मगर आपको ये ब्रेकआउट को फॉलो करना है, जो हुआ नहीं तो मुझे ट्रेड नहीं करना है। अल्टीमेट देखिए मार्केट गिर गया और यहाँ पर आपका पास एक सेल का कॉल बना। अब सेल में भी जस्ट सेम कंडीशन जो आपको बताया गया, आपको जस्ट कंडीशन को ही मैच करना है, जो नीचे का पट्टी का कलर क्या है, पहले रेड स्टार है या नहीं, और ये लाइन देखिए वाइट लाइन को ब्रेक करके नीचे आया कि नहीं। तो तीनों कंडीशन मैच होने का मतलब है ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंटेशन हो सकता है जो आपको रिजल्ट भी देखेगा। जैसा देखिए यहाँ पर तीनों टारगेट दिया उसके बाद मार्केट रिवर्स किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दो कॉल आपको दिखाई दे रहा है, एक बार बाय दिया है एक बार सेल दिया है। तो बेसिकली देखिए ये दोनों कॉल ही हम लोग के हिसाब से सही कॉल नहीं है, क्योंकि मिडिल का जो बाय का कॉल बना है, ये जो बाय का कॉल, इसमें देखिए नीचे का जो लाइन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, जो नीचे का लाइन है ग्रीन हुआ है मगर ये व्हाइट लाइन का नीचे ही है। ग्रीन होने का मतलब है बायर्स ऑब्वियसली मार्केट में भर रहा है, मगर व्हाइट को जब तक ब्रेक नहीं करेगा इसका मतलब आप बाइंग में नहीं घुसे, मतलब आपकी पोजिशन आपका सेलिंग में ही है। तो उस हिसाब से ये बाय का कॉल फॉल्स कॉल है। ऐसा भी बोल सकते हैं इस बाय का कॉल का नीचे का पट्टी ग्रीन था, ऐसा भी बोल सकते हैं देखिए बाय का कॉल का पहले कोई ग्रीन स्टार बना नहीं है। तो पूरा कंडीशन के हिसाब से ये बाय का कॉल सही नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना था। अल्टीमेट देखिए मार्केट गिरा दिया और अंत में एक सेल का कॉल दे भी गया था। तो इस मार्केट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हर एक स्क्रिप्ट में पैसा बनता है मगर वो सिचुएशन कब है वही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एक सॉफ्टवेयर का काम है उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना। जैसे सन टीवी यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है आपको दो तीन कॉल दिखाई दिया है, तो उसमें से ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपका पैसा बना है। तो सॉफ्टवेयर जस्ट काम करता है उस लोकेशन को आपको आइडेंटिफाई करके बताना आपको जहाँ पर पैसा निकालना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा है और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ में भी आया है। फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट या क्वेरीज रहेगा, आप मुझे, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप मुझे यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी डाल सकते हैं। और इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा बहुत सारा वीडियोस देखना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, आपको मेरा बहुत सारा वीडियोस दिखाई देगा। आप 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आ रहा है आशा करता हूँ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट या क्वेरीज रहेगा मुझे यहाँ पर फ़ोन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।